हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, डीजेसर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे भारतीय इतिहास की, और भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने दूसरा जो संस्कृति ली थी वो कौन सी, वैदिक काल के बारे में हम पढ़ते हैं। कौन सी पढ़ते हैं भाई? वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं, और वैदिक काल के बारे में छोटी मोटी कुछ जानकारी हमने कल प्राप्त भी कर ली थी, उसका थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और उसी को आगे बढ़ाते हैं फिर, है ना? ठीक है, तो ये वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बारे में हमने देखा था। सबसे पहले इसे आर्यों की सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? आर्य सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि आर्यों के द्वारा इसका विकास किया गया था। इस कारण आर्यों का जो मूल निवास माना जाता है, आर्य किस प्रकार से यहाँ पर आकर बसे, इस प्रकार से भारत में अगर मूल निवास माना जाता है तो भारत में निवास बताने वाला कौन था भाई? भगवान डिडवानी। कौन था? भगवान डिडवानी। यहाँ पर भारत में कहता है कि आर्य भारत के ही निवासी थे। कहाँ के निवासी थे भाई? आर्य भारत के ही निवासी थे। ऐसी जानकारी हमें देने वाला कौन है? भगवान डिडवानी। और बात करें यहाँ पर सप्त सैंधव प्रदेश की, अविनाश और संपूर्णानंद, डॉक्टर अविनाश कहता है कि ये सप्त सैंधव प्रदेश में निवास किया करते थे। तिब्बत जो बताता है वो दयानंद सरस्वती, उत्तरी ध्रुव अर्थात उत्तरी ध्रुव से आने वाले बताते हैं बाल गंगाधर तिलक, मध्य एशिया का बताते हैं मैक्स मूलर। कहाँ बताते हैं भाई? मैक्स मूलर। और सर्वमान्य मत किसका है? ये माना जाता है सर्वमान्य मत है, जो किसका माना जाता है, ये सबसे ज़्यादा मैक्स मूलर का माना जाता है। मध्य एशिया निवासी मानते हैं हम ज़्यादातर तो किसको भाई? आर्यों को। क्या मानते हैं हम? मैक्स मूलर के अनुसार कि इन्हें कहाँ का? मध्य एशिया के निवासी मानते हैं। यूरोप वाले कहते हैं, पीगाइल्स कहता है कि ये यूरोप के निवासी थे। यहाँ तक देख लिया था, इसके पश्चात हमने यहाँ पर देखते हैं, तो इसमें चार वेदों का उल्लेख किया गया है, क्योंकि इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता में चार वेद है, तीन वेद को वेद त्रय कहा जाता है। त्रय वेद में सामवेद और ऋग्वेद, सामवेद यजुर्वेद को शामिल किया जाता है, अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता है प्यारे दोस्तों। इसके पश्चात बात करें तो यहाँ वैदिक सभ्यता या वेद शब्द का जो अर्थ माना जाता है वो ज्ञान या ज्ञान भंडार से लिया जाता है। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। आर्य का संबंध नार्डिक जाति की वाइट जाति से माना जाता है, या सफेद जाति से माना जाता है। नार्डिक उपजाति की सफेद उपजाति से माना जाता है, ये भी माना गया है। इसके पश्चात बात करें यहाँ पर अफगानिस्तान में चार नदियों का उल्लेख मिला करता है, और इन नदियों में हमने देखा था कुर्मा नदी या कुमा नदी भी कहते हैं इसको, उसे काबुल कहा जाता था। कुमो नदी को कुर्रम कहा जाता था, गोमती नदी को गोमल कहा जाता था, सुवास्तु नदी को स्वात कहा जाता है। ये हमें जानकारी मिलती थी और ये हमने देख लिया था। ये ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख तीन बार मिला है, गंगा का एक बार मिला है। पेय पदार्थ के रूप में ये सोमरस का प्रयोग करते थे, जो कहा जाता है कि देवताओं के द्वारा एक प्रकार का पवित्र पदार्थ हुआ करता था। ये वो नहीं नशे वाला, ठीक है, ये पवित्र पदार्थ होता था जो जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता था। और इसके पश्चात हमने देखी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट देता, इसका कालक्रम देखा जाए, सर्वप्रथम हमने देखा इसको 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक की इसमें जानकारी हमें देखने को मिलती है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट दिया जाता है। पहले भाग माना जाता है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है, और दूसरा जो भाग माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। इसे ऋग्वैदिक सभ्यता कहा जाता है और इसे उत्तर वैदिक सभ्यता कहा जाता है। अर्थात जिस समय वेद का विकास हुआ था, वेदों का विकास या ऋग्वेद का विकास हुआ था, उस समय का कौन सा काल माना जाता है? हमारा ऋग्वेदिक काल। इस समय में ऋग्वेद का विकास हुआ था, यानी कि पहला जो ग्रंथ है हमारा जो पहला ग्रंथ है उसका जो कहा जाता है कि विकास हुआ था, या ऋग्वेद का विकास इस समय हुआ था, इस कारण इसे ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल, बाकी के तीन वेदों का विकास उत्तर वैदिक काल में माना जाता है, ठीक है। अब बात करें तो यहाँ पर वैदिक साहित्य से हमें जानकारी मिलती है। वैदिक साहित्य खुद वेद, वेदों को संहिता भी कहते हैं, और क्या कहते हैं भाई? ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य, उपनिषद या वेदांत भी कहते हैं इनको। सूत्र साहित्य वैदिक साहित्य में शामिल नहीं है,
किया जाता, आर्य भाषा संस्कृत बोलते थे। कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे भाई? आर्य लोग संस्कृत के ज्ञाता हुआ करते थे। आर्यों का समाज पितृ सत्तात्मक था। आर्यों का परिवार का मुखिया पिता होता था, जिसको कुलप कहते थे। हम क्या कहते थे भाई? कुलप कहकर संबोधित करते थे। इसके पश्चात अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने बात की भाई किस आधार पर देखें, तो अलग अलग प्रकार से देखें तो कहा जाता है कि यहाँ पर हमें जानकारी मिलती है वैदिक सभ्यता की, और इसी वैदिक सभ्यता में सारी जानकारियाँ लगभग लगभग हम प्राप्त कर चुके हैं। और इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों, भाषाई आधार पर देखा जाए तो आर्य एशिया के निवासी या मध्य एशिया के निवासी माना जाता है। किसी आधार पर देखिए आर्यों को, आर्यों की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने देख लिया था। इसकी जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है भाई? आर्यों की हमें जानकारी जो मिलती है प्यारे दोस्तों कहाँ से मिलती है? देखिएगा आर्यों की बात करें तो थोड़ा सा आर्यों के बारे में और जानकारी मिलते हैं। इनको क्या माना गया मूल रूप से? मध्य एशिया निवासी। कहाँ माना गया है? एशिया निवासी माना गया है। किसके माना जाता है भाई? मध्य एशिया निवासी माना गया है। और मध्य एशिया निवासी की बात करें तो ये भाषाई आधार पर, किसके आधार पर भाई? भाषा के आधार पर। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। इसके आधार पर? भाषा के आधार पर। ठीक है, भाषा के आधार पर इनका जो उल्लेख किया गया है ये कहाँ पर किया गया है भाई? भाषा के आधार पर आर्य मध्य एशिया निवासी माना जाता है। कहाँ माना जाता है? मध्य एशिया निवासी माना जाता है। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर जो जानकारी मिलती है प्यारे दोस्तों, हमें जो जानकारी क्या मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है कि मध्य एशिया के आर्य ग्रंथ, एक यहाँ से एक ग्रंथ मिलता है और ये ग्रंथ कहा जाता है मध्य एशिया में आर्यों के बारे में जानकारी देने वाला एक ग्रंथ है जंदावस्था, जिससे मिलती है एक ग्रंथ और ग्रंथ अपना जो आर्यों का ग्रंथ है इसका जंदावस्था ग्रंथ से इसकी जानकारी मिलती है। कौन सा? जंदावस्था ग्रंथ से इसकी जानकारी मिलती है, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी प्राप्त होती है किसकी? जानकारी प्राप्त होती है भाई आर्यों की जानकारी प्राप्त होती है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि एशिया मध्य एशिया ये कौन सा ग्रंथ है जंदावस्था जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। ये रचयिता माना जाता है आर्य द्वारा रचित माना जाता है। किसके द्वारा? ये आर्य द्वारा रचित माना जाता है। किसके द्वारा? आर्यों द्वारा रचित माना जाता है। किसके द्वारा माना जाता है भाई? आर्य द्वारा रचित ग्रंथ माना जाता है, और इससे इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। और क्या क्या जानकारी मिलती है भाई? एक मिलती है हमें बोगज कोई शिलालेख। कौन सा? बोगज कोई शिलालेख। कौन सा प्यारे दोस्तों? बोगज कोई शिलालेख। बोगज कोई शिलालेख। बोगज कोई शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है, या इस स्थल से जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है भाई? ये देखिएगा ध्यान से। यहां से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि इस सभ्यता के लोग, किस सभ्यता के लोग? एशिया माइनर से ये, मध्य एशिया से ये प्राप्त होता है। यह अभिलेख लगभग 1400 ईसा पूर्व का माना जाता है। ये कहां से प्राप्त होता है हमें? मध्य एशिया से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? मध्य एशिया से प्राप्त होता है। एशिया से प्राप्त होता है, ठीक है, मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। और ये जो ग्रंथ है, ये जो शिलालेख है, ये लगभग 1400 ईसा पूर्व, कब? 1400 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। ईसा पूर्व की जानकारी देता है, जानकारी देता है, ठीक है। अर्थात इस समय पर यह लिखा गया था। किस समय में लिखा गया था? 1400 ईसा पूर्व की जानकारी इससे मिलती है। और इसकी खोज जो की गई थी 1907 में की गई थी, ह्यूगो द्वारा की गई थी। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? 1907 में इसकी खोज की बात करें भाई, किसकी? इसकी खोज की बात करें, इस अभिलेख की खोज की गई थी 1907 में की गई थी। कब? 1907 में की गई थी, ह्यूगो द्वारा। किसके द्वारा? ह्यूगो द्वारा की गई थी। ह्यूगो द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ह्यूगो द्वारा की गई थी।
इस अभिलेख की खोज किसके द्वारा की गई थी भाई? ह्यूगो द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1907 में की गई थी। 1400 ईसा पूर्व का ये अभिलेख माना जाता है जो हमें जानकारी देता है किससे? वैदिक सभ्यता की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है भाई? हमें वैदिक सभ्यता की जानकारी देता है। और बात करें कि ऋग्वेद में कहा जाता है कि ऋग्वेद में इससे आर्य देवता का उल्लेख मिला है। इसमें क्या जानकारी मिलती है हमें? ऋग्वेदिक आर्य देवता का उल्लेख मिलता है। इसमें क्या जानकारी मिलती है? ऋग्वेदिक ऋग्वेदिक चार आर्य देवताओं की जानकारी मिलती है, ठीक है। और ऋग्वेदिक चार आर्य देवता कौन कौन से हुए हैं भाई? देवताओं का उल्लेख किया गया है और कौन कौन से है? यहाँ पर चार आर्य देवता की बात करें, ऋग्वेदिक चार आर्य देवता कौन कौन से है भाई? ऋग्वेदिक चार आर्य देवता पहले दे, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये कहा जाता है यहाँ पर चार आर्य देवता कौन कौन से देखने को मिलते हैं यहाँ पर इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ते, ठीक है। इंद्र वरुण मित्र नास्ते, कौन नास्ते? ये चार देवता मिले हैं। किससे? चार देवता आर्य देवता की जानकारी हमें ज्ञात होती है प्यारे दोस्तों। कहाँ से प्राप्त होती है? इस अभिलेख से जानकारी हमें प्राप्त होती है। सबसे ज्यादा बात करें तो यहाँ पर प्रामाणिक जो मत माना जाता है या सबसे ज्यादा आर्यों के जो जानकारी का सबसे ज्यादा प्रामाणिक मत माना जाता है वो कौन माना जाता है भाई? मैक्स मूलर का माना जाता है। कौन सा माना जाता है? कैसे हो जाता है? एग्जिट टच हो गया हुआ। चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या जानकारी मिलती है भाई? हमें जो जानकारी मिलती है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर चार आर्य देवताओं की जानकारी मिलती है। कौन से? इंद्र वरुण मित्र नासत्य। कौन सा? इंद्र वरुण मित्र नासत्य। ये चार क्या है? ये आर्य देवता है। कौन से देवता है भाई? ये चार आर्य देवता है। क्या? कौन से देवता है? ये आर्य देवता है। और इनकी हमें जानकारी हमें किससे? भोगज कोई शिलालेख से देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा या महत्वपूर्ण जो मत माना जाता है वो मत किसका माना जाता है हमें? ये मत माना जाता है भाई, कौन सा? मैक्स मूलर का मत, यानी कि सर्वमान्य जो मत माना जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, सबसे ज़्यादा जो मान्य या सर्वमान्य मत माना जाता है मध्य एशिया के निवासी थे। ऐसी जानकारी हमें कौन देता है? मैक्स मूलर देता है। और उसी की बातों को हम ध्यान से रखते हैं। चलिए इस अभिलेख की भाषा की बात करें तो इसमें कहा जाता है कि ये इसका भाग जो माना जाता है इंडो ईरानी भाषा का प्रयोग किया गया। कौन सी? इस अभिलेख में या भोगज को अभिलेख में बात करें प्यारे दोस्तों, भोगज को शिलालेख में, भोगज को शिला सॉरी अभिलेख में अभिलेख में इंडो ईरानी भाषा का प्रयोग किया गया है, का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है भाई? इंडो ईरानी भाषा का प्रयोग हुआ है। और अर्थात ये हमें जानकारी देता है इंडो ईरानी, अर्थात बात करें हम हिंदुस्तानी भाषा और ईरानी भाषा दोनों का मिश्रित रूप से प्रयोग किया गया है। इस भाषा को इंडो ईरानी भाषा कहा गया। क्या कहा गया भाई? इंडो ईरानी भाषा कहा गया। अब बात करें तो वैदिक कार्यक्रम के अनुसार देखा जाए तो इसका जो समय निर्धारण किया गया था, वैदिक ऋग्वेद काल का समय जो निर्धारण किया गया था वो किसके द्वारा किया जाता है? विंटर नृत्य के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया गया था भाई? विंटर नृत्य के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल लेते हैं सबसे पहले। कौन सा काल लेते हैं भाई? सॉरी वैदिक काल यहां पर डालते हैं हम। अब बात करें वैदिक
काल की, या ऋग्वेदिक काल जिसे कहें हम, तो क्या कहें? ऋग वैदिक काल। दो भागों में बांटा है, तो ऋग्वेदिक काल, और इसका जो समय माना जाता है वो कहाँ से माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर, 1500 ईसा पूर्व से लेकर कहाँ तक? 1000 ईसा पूर्व तक। इसका जो समय माना गया है भाई, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का इसका समय माना जाता है ऋग्वेदिक काल का। ठीक है, और यहीं से हम पहला पार्ट पढ़ते हैं आज। देखिए ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेदिक काल के बारे में हम बात करें तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर सर्वप्रथम जो बात करते हैं तो वैदिक काल की संपूर्ण जानकारी वैदिक साहित्य से मिलती है। किसकी? वैदिक काल की। किसकी? वैदिक काल की संपूर्ण जानकारी वैदिक साहित्य से मिलती है, साहित्य से मिलती है। किससे मिलती है भाई? संपूर्ण जो जानकारी हमें वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है वो किससे होती है? वैदिक काल की संपूर्ण जानकारी वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है। और यहाँ पर जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य में सबसे पहला ग्रंथ आता है, वैदिक साहित्य की बात करें, किसकी बात करें? वैदिक साहित्य की। वैदिक साहित्य की बात करें तो सबसे पहले हम बात करें तो वैदिक साहित्य में सबसे पहले जो बात करें तो वेद। किसकी बात करें? वेद। किसकी बात कर रहे हैं भाई? सबसे पहले हम वेद की बात करते हैं। वैदिक साहित्य में वेद आएंगे सबसे पहले, और वेद की जो हम बात करने जा रहे हैं, जो वेद शब्द है, किसकी बात कर रहे हैं? वेद शब्द। वेद शब्द विद धातु से बना हुआ है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, विद धातु, और विद धातु के साथ यह प्रत्यय है। क्या है? वेद शब्द की बात करें, वेद शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, ये किससे बना हुआ है भाई? ये जो शब्द बना हुआ है ये विद धातु से, किससे बना है? ये जो शब्द बना है वेद शब्द विद धातु से बना हुआ है। कौन सी धातु से बना हुआ है? विद धातु से, और घय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कौन सा? विद धातु प्लस घय प्रत्यय। कौन सा? घय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? प्रत्यय से बना है, से बना है। क्या बना है? वेद शब्द जो बना है प्यारे दोस्तों, विद धातु और घ प्रत्यय से बना है। कौन सा शब्द? वेद शब्द। अब इसी के साथ हम जानकारी प्राप्त करें तो कहा जाता है वेद का अर्थ होता है ज्ञान राशि या ज्ञान का भंडार। वेद का वास्तविक अर्थ या वेद शब्द का अर्थ होता है क्या होता है? वेद शब्द का अर्थ होता है, वेद शब्द का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है भाई? इसका अर्थ होता है तो क्या होता है? ज्ञान राशि या ज्ञान का भंडार। क्या? ज्ञान का भंडार। क्या होता है भाई? ज्ञान का भंडार। ज्ञान राशि या ज्ञान का भंडार वेद शब्द का अर्थ लिया जाता है। कौन से शब्द का अर्थ लिया जाता है भाई? वेद शब्द का अर्थ लिया जाता है। यहां से हमें जानकारी पढ़ते हैं ये वेदों को अपौरुषीय कहा गया है। क्या कहा गया है भाई? वेदों को अपौरुषीय कहा गया है। वेदों को क्या कहा गया? वेदों को अपौरुषीय। क्या कहा गया है? अपौरुषीय कहा गया है। कहा गया है, अर्थात इनकी रचना किसी पुरुष मात्र या व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं की गई। अपौरुषीय का मतलब क्या है? वेद जो है किसी पुरुष मात्र की पंक्ति या युक्ति नहीं है, या किसी पुरुष के द्वारा लिखा गया ज्ञान नहीं है, या किसी पुरुष के द्वारा लिखा गया ग्रंथ नहीं है प्यारे दोस्तों। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? अपौरुषीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपौरुषीय कहा जाता है। किसी भी पुरुष विशेष की कृति नहीं है। वेद क्या है भाई? वेद किसी भी पुरुष
विशेष की कृति नहीं है, कृति नहीं है, ठीक है। वेद किसी पुरुष व्यक्ति के द्वारा या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा लिखा नहीं गया है, यह हमें जानकारी कहां से मिलती है, यहीं से मिलती है। वेदों का देवीय ज्ञान का अंश कहा गया है, क्या कहा गया है भाई, वेदों को देवीय ज्ञान का अंश कहा गया है, देवी ज्ञान का अंश कहा गया है, क्या कहा गया है, देवी ज्ञान का अंश कहा गया है, देवी ज्ञान का अंश कहा गया है, देवी ज्ञान का अंश कहा गया है, किसको कहा गया है, वेदों को देवी ज्ञान का अंश कहा गया है, क्यों कहा गया है, क्योंकि ये अपौरुषेय है, कैसे है भाई, ये अपौरुषेय माने जाते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा इनकी रचना नहीं की गई, ये देवीय ज्ञान माना जाता है, जो देवताओं के द्वारा कहा गया और ऋषि मुनियों के द्वारा सुना गया था, वही ज्ञान यहाँ पर वेदों में संकलित माना जाता है, और इस ज्ञान को वेदों का जो संकलन किया गया है, वेदों का क्या किया गया है भाई, संकलन किया गया है, वेदों का क्या किया गया है, संकलन किया गया है, क्या किया गया है भाई, वेदों का संकलन किया गया है, और किसके द्वारा किया गया है, महर्षि द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा, किसके द्वारा, महर्षि द्वैपायन के द्वारा किया गया है, वेदों का व्यास किया था, इस कारण इनके पीछे क्या लग जाता है, वेद व्यास लग जाता है, क्या लग जाता है इनके पीछे, महर्षि द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा किया गया, इनके द्वारा किया गया था, क्या किया गया था, इनके द्वारा भाई संकलन किया गया था, किसका, वेदों का संकलन, इस कारण इन्हें भारतीय इतिहास का पिता भी कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं आप, भारतीय इतिहास का पिता भी कह सकते हैं, ये प्रथम वैदिक दर्शन या वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने वाले थे। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने, किसने प्यारे दोस्तों, महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने वेदों का व्यास यानी फैलाना, क्या किया, वेदों का व्यास यानी फैलाया, अर्थात व्यास किया, इसलिए इन्हें क्या कहा जानेगा, वेदों का व्यास किया इसलिए इन्हें वेद व्यास कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, वेद व्यास कहते हैं, अर्थात वेदों का संकलन जो किया गया, ये एक अपौरुषेय युक्ति है, और ये अपौरुषेय युक्ति है, कहा जाता है कि इसका जो संकलन किया गया महर्षि द्वैपायन व्यास के द्वारा किया गया, किसके द्वारा, महर्षि कृष्ण द्वैपायन के द्वारा किया गया, और इनको क्या कहा गया, आगे चलकर इनको वेद व्यास लगा दिया गया, क्या लगा दिया इनके आगे चलकर वेद व्यास लगा दिया गया, और यहीं के बाद, इसी समय के बाद इनको वेद व्यास कहा जाने लगा, क्या कहा जाने लगा, इस वेदों का संकलन किया गया, इस कारण इन्हें वेद व्यास कहा जाने लगा। चलिएगा, वेद कितने हैं, ये हम पहले भी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, चार वेद है, और चार वेदों में से पहले की कहा जाता है वैदिक काल, इनकी रचना है वैदिक काल में मानी जाती है, किसमें मानी जाती है, वैदिक काल में मानी जाती है, ठीक है। चलेगा, अब बात करें तो वेद कितने, एक बार फिर देख लेते हैं, यहाँ पर वेद कितने, चार वेद कौन कौन से, सबसे पहले हमने बात की ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, और चौथा अथर्व चौथा कौन सा हो जाएगा अथर्व वेद ये चार वेद हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चार वेद हैं,
और चार वेदों में से कहा जाता है कि इन वेदों की रचना जो हुई है, ऋग्वेद की रचना हुई है, वो वैदिक काल में मानी जाती है और ऋग्वेदिक काल में मानी जाती है, और उसके बाद बात करें तो इसकी दूसरे काल की मानी जाती है, इसकी इनकी रचना मानी जाती है वैदिक काल में। किस में मानी जाती है? वैदिक काल में रचना हुई इनकी। इनकी रचना कब हुई? वैदिक काल में। ठीक है, इनकी तीन की रचना, और ये इसकी रचना ऋग्वेदिक काल में मानी जाती है। किस में मानी जाती है? ऋग्वेदिक काल में मानी जाती है। ये समझ में आ गया होगा प्यारे दोस्तों। अर्थात एक जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की रचना पहले हो गई थी और ऋग्वेदिक काल में मानी जाती है, जबकि वैदिक काल में जो दूसरा की रचना मानी जाती है, बाकी के तीन काल जो तीन वेद है वो वैदिक काल में बने हुए हैं। ये जानकारी हमें देखने को मिलती है। सर्वप्रथम हम बात करने जा रहे हैं किसके वेद की, कौन से वेद की बात करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर ऋग्वेद की। किसकी बात करने जा रहे हैं भाई? ऋग्वेद की। किसकी बात कर रहे हैं? ठीक है, ऋग्वेद। अब यहां पर ध्यान देना है, आपको ऋग्वेद की बात करने जा रहे हैं। चलिएगा, ऋग्वेद में सबसे पहले क्या जानकारी हमें प्राप्त करें? जो ऋग्वेद है, ये जो शब्द बना हुआ है प्यारे दोस्तों, ये ऋग्वेद की बात करें तो ये ऋचा, ऋचा से बना हुआ है शब्द है। किसे? ये इसमें क्या है? ऋक, इसमें एक ऋचा है। ऋक इसमें क्या है? ऋचा है, और ऋचा में श्लोक है, श्लोक में मंत्र है, और मंत्र में देवताओं की स्तुति है। ये थोड़ा सा समझना है आपको, ठीक है। यहां पर क्या है? ऋक, ऋक, ऋक में ऋचा है। क्या है? ऋक में ऋचा है। ऋक में क्या है? ऋचा है। यानी कि इसमें क्या है? ऋग्वेद में ऋचा है। ऋग्वेद में क्या है? ऋचा है। ऋचा में श्लोक है। ऋचा में क्या है? ऋचा में श्लोक है। क्या है? श्लोक है। ऋचा में क्या है भाई? श्लोक है। और श्लोक में मंत्र है। क्या है? श्लोक में मंत्र है। क्या है? श्लोक में, श्लोक, श्लोक में क्या है? मंत्र है। मंत्र है, और मंत्र में, और मंत्र में, और मंत्र में, और मंत्र में देवताओं की स्तुति है। क्या है? देवताओं, देवताओं की स्तुति है। क्या है? देवताओं की स्तुति है। देवताओं की स्तुति है। ठीक है प्यारे साथियों, तो ऋग्वेद में ऋचा है, ऋचा में श्लोक है, श्लोक में मंत्र है, मंत्र में देवता है की स्तुति है। क्या है? ऋग में, यानी कि ऋग्वेद में ऋचा है, ऋचा में श्लोक है, श्लोक में मंत्र है, मंत्र में क्या है? देवताओं की स्तुति है। फिर बोले, ऋग्वेद में क्या है? ऋचा है, और ऋचा में श्लोक है, और श्लोक में मंत्र है, और मंत्र में देवताओं की स्तुति है। क्या है भाई? देवताओं की स्तुति है। अर्थात देवताओं की जो भी आराधना की जाती है वो कहाँ पर है? मंत्र में है। ठीक है, ठीक है, याद रह जाएगा। अब बात करें तो इसकी बात करें, यहाँ पर श्लोकों की संख्या, ऋग्वेद में श्लोकों की संख्या 10,562 मानी जाती है भाई। ऋग्वेद में श्लोकों की संख्या कितनी? श्लोकों की संख्या ऋग्वेद में क्या? श्लोक की संख्या, श्लोक की संख्या कितनी है? 10,562। कितनी है? ऋग्वेद में श्लोकों की संख्या 10,562 है। 10,562 है। और इसमें सूक्तों की संख्या, इसमें किसकी? सूक्त की। किसकी? सूक्त की संख्या, सूक्त की संख्या की बात करें,
1028 से, कितनी 1028 सूक्त है, कितने सूक्त है 1028 सूक्त है, और इन सूक्तों को दो भागों में बांटा गया है। 1028 सूक्तों को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है भाई, दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से कहा गया है, क्या कहा गया है, जो मूल सूक्त है 1017 है, क्या है मूल सूक्त, कितने मूल सूक्त, इसमें से क्या मूल सूक्त है वो कितने हैं 1017 है, 1017 है, और 11 बाल खिल्ले है, क्या है भाई 11 बाल खिल्ले है, बाल खिल्ले कितने हैं 11 बाल खिल्ले हैं, 11 बाल खिल्ले हैं। अर्थात यहां पर क्या बात की हमने, ऋग्वेद सबसे पहले, ऋग्वेद कौन सा वेद पढ़ रहे हैं, पहला वेद ऋग्वेद, कौन सा प्रथम वेद जो है ऋग्वेद की जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। ऋग्वेद में 10,562 श्लोक है, 10,562 श्लोक होते होते यहाँ पर सूक्तों की बात करें तो 1028 सूक्त है, 1028 सूक्त में से 1017 तो क्या है प्यारे दोस्तों मूल सूक्त माने जाते हैं, और 11 बाल खिल्ले माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं 11 बाल खिल्ले माने जाते हैं, ये जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। अब बात करें तो ऋग्वेद की बात करने जा रहा है प्यारे दोस्तों, इसी की बात करते हैं, तो नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, चलो नेक्स्ट। अब देखिएगा क्या कंडीशन यहां पर किसकी, ऋग्वेद की बातें कर रहे हैं, किसकी बातें कर रहे हैं भाई ऋग्वेद की, किसकी ऋग्वेद की, किसकी बात कर रहे हैं हम, ऋग्वेद की जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, और ऋग्वेद की जो जानकारी है मेरे साथियों यहाँ पर क्या क्या जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है और किस प्रकार से मिलती है वो सारी जानकारियाँ मिले करते हैं। यहाँ पर ऋग्वेद में 10 मंडल है, और प्रथम मंडल में अग्नि का उल्लेख किया गया है, 10 मंडल है कितने ऋग्वेद में, ऋग्वेद में क्या है 10 मंडल है, कितने मंडल है 10 मंडल है। फर्स्ट मंडल में, फर्स्ट मंडल में अग्नि का उल्लेख है, किसका अग्नि का उल्लेख है, अग्नि का उल्लेख है, क्या है भाई अग्नि का उल्लेख है, ठीक है। और बात करें यहाँ पर 10 मंडल है ऋग्वेद में, और यहाँ पर नेक्स्ट बात करें देखिएगा, प्रथम मंडल में अग्नि का उल्लेख किया गया है, किसका उल्लेख किया गया है भाई प्रथम मंडल में अग्नि का उल्लेख किया गया है। और क्या जानकारी मिलती है इस मंडल के बारे में, यहां पर देखें तो 1, 9, 10 ये नवीन मंडल माने जाते हैं, क्या 1, 9, और 10, ठीक है 10वां मंडल नवीन मंडल माने जाते हैं, नवीन मंडल है, मंडल है ये, मंडल है नवीन मंडल है, कौन से अर्थात पहला 9वां और 10वां जो मंडल है वो कौन से है नवीन मंडल माने जाते हैं। ऋग्वेद की बात करें नवीन मंडल माने जाते हैं, और बात करें नवे मंडल में, नवे मंडल की बात करें तो नवे मंडल में कहा जाता है यहाँ पर सोम का उल्लेख किया गया है, नवे मंडल में किसमें प्यारे दोस्तों, नवे मंडल में, नवे मंडल में, नवे मंडल में सोम का उल्लेख किया गया है, किसका सोम का उल्लेख किया गया है, सोम का उल्लेख किया गया है, सोम का उल्लेख किया गया है, किया गया है, सोम का उल्लेख किया गया है, कौन से मंडल में नवे मंडल में सोम का उल्लेख किया गया है। और बात करें तो यहां पर हमें जो जानकारी मिलती है 278 को वंश मंडल कहते हैं, अर्थात ये प्राचीन मंडल माने गए हैं, कौन कौन सा 2, 7 और 8, 2, 7 और 8वां, 8वां जो मंडल है प्यारे दोस्तों इनको क्या कहा गया है 8वां मंडल, मंडल को वंश मंडल कहा गया है, क्या कहा गया है वंश मंडल कहा गया है, क्या कहा गया है भाई वंश मंडल कहा गया है, कहा जाता है। और ये प्राचीन मंडल माने गए, ये है प्राचीन मंडल माने गए हैं, सबसे प्राचीन मंडल या प्राचीन मंडल माने गए हैं, प्राचीन मंडल माने गए हैं, कौन से भाई 2, 7 और 8वां, 2, 7 और 8वां क्या माने गए हैं प्राचीन मंडल माने गए हैं,
भाई ये वाले जो मंडल है ये प्राचीन मंडल है, ऐसी जानकारी हमें मिलती है, जबकि 1, 9, 10 ये नवीन मंडल है, अर्थात इनकी रचना बाद में हुई है, और ये जो 2, 7, 8 है इन मंडलों की रचना पहले हो चुकी है। 9वें मंडल में सोम का उल्लेख मिलता है, प्रथम मंडल में अग्नि का उल्लेख मिलता है। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है भाई? ऋग्वेद से मिलती है। कहाँ से मिलती है ये जानकारी हमें? ऋग्वेद से मिलती है। कहाँ से मिलती है भाई? ऋग्वेद से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। और बात करें 10वें मंडल में सूत्र, यानी कि सूत्रों को 4 वर्णों में बांटा गया है। कितने? अर्थात यहां पर 4 वर्ग में बांटा गया है। किसको बांटा गया भाई? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया है। वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है भाई? 4 भागों में बांटा गया, अर्थात जो वर्ण व्यवस्था है वो 4 भागों में बताई गई। वर्तमान में चलते जाति व्यवस्था होती है, कोई कुमार है, कोई चमार है, कोई क्या है, कोई क्या है, राजपूत है, ब्राह्मण है, पता नहीं कौन कौन सी जातियां हैं। लेकिन यहाँ पर वेदव्यास जी ने जो उल्लेख किया गया था, यहाँ पर वेदव्यास ने उल्लेख किया गया था 4 वर्णों की, और 4 वर्ण कर्म के आधार पर डिवाइड किए गए थे। किसके आधार पर? उनके लिए सब मानव समान थे, लेकिन जो काम अलग अलग करते थे कर्मों के आधार पर। जो शिक्षा दे लेने और लेने का कार्य किया था उनको ब्राह्मण कह दिया गया, जो सुरक्षा का कार्य किया करता था उनको क्षत्रिय कह दिया गया, और जो व्यापार वर्ग का काम करते थे उनको क्या कह दिया गया भाई? उनको वैश्य कह दिया गया, और जो साफ सफाई का काम किया करते थे उनको क्षुद्र कह दिया गया। बस ये 4 व्यवस्थाएं किस प्रकार से उनके कर्मों के आधार पर विभाजित की थी, यहाँ पर 10वें मंडल में ये 4 वर्णों की व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ये वर्ण व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में। यहाँ पर जाति व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में तो जाति व्यवस्था गोत्र व्यवस्था पर चली गई है। किस पर चली गई है भाई? गोत्र व्यवस्था पर की चली गई है, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पर 4 वर्णों में बांटा गया, और क्या इसी से हमें जानकारी मिलती है। अष्टोमा स्वद्गमे जो मंत्र है वो हमें इसी से जानकारी मिलती है, ऋग्वेद से हमें जानकारी मिलती है। अष्टो मा स्वद्गमे, अष्टो मा स्वद्गमे जो मंत्र देखने को मिलता है वो कहां से मिलता है हमें? ये भी हमें कहां से मिलती है इसकी जानकारी? स्वद्गमे, ठीक है, अष्टो मा स्वद्गमे गमे, ठीक है, अष्टोमा स्वद्गमे, ठीक है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है भाई? अष्टोमा स्वद्गमे जो मंत्र है ये भी ऋग्वेद से हमें देखने को मिलता है। सविता को समर्पित है, सविता को समर्पित गायत्री मंत्र, सविता को समर्पित गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र और गायत्री मंत्र की जानकारी भी हमें कहाँ से मिलती है? 3 वेदों से मिलती है वैसे तो, लेकिन ऋग्वेद से जानकारी, इसकी जानकारी भी हमें कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। सविता को समर्पित गायत्री मंत्र की जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? ये भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। किसको माना जाता है? ये 3 मंडलों से, 3रे मंडल से मिलते हैं, इसकी जानकारी 3 मंडल में मिलती है। कौन से में? 3रे मंडल में। इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? 3रे मंडल में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? 3रे मंडल में मिलती है। कहाँ मिलती है इसकी जानकारी? 3रे मंडल में जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है, ठीक है। गायत्री मंत्र की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? 3रे मंत्र में जानकारी मिलती है। और किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित या सविता को समर्पित माना जाता है, भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। किसको? भगवान विष्णु। किसको? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है, विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? समर्पित है, समर्पित है। किसको समर्पित है भाई? समर्पित है,
किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। इसके पुरोहित को, किसको प्यारे दोस्तों, इसके पुरोहित को क्या कहा जाता था, होता क्या कहा जाता है, इसका जो प्रधान पुरोहित होता था उसको क्या कहा जाता है, इसको प्रधान पुरोहित को होता या होत्री कहा जाता था। प्रधान पुरोहित को क्या कहा जाता था, प्रधान पुरोहित, प्रधान पुरोहित या पुरोहित को क्या कहा जाता था। यहाँ पर प्रधान नहीं लगाकर डायरेक्ट पुरोहित की बात करें, हम डायरेक्ट पुरोहित ही लिखें, ठीक है, तो ज़्यादा सही रहेगा। इसके पुरोहित को क्या कहा जाता था, पुरोहित को होता, पुरोहित को होता क्या कहा जाता था, होता क्या कहा जाता, होता या होत्री क्या कहा जाता था, होता या होत्री कहा जाता था, क्या कहा जाता है, होता या होत्री कहा जाता है इसके पुरोहित को, ठीक है, कहा जाता है, ठीक है, किसके, ऋग्वेद को कहा जाता, ऋग्वेद को, जो ऋग्वेद का जो पुरोहित हुआ करता था उसको क्या कहा जाता था, होता या होत्री कहा जाता था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है भाई, ऋग्वेद से मिलती है, ये सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद से जानकारी मिलती है। तो ये ऋग्वेद के बारे में समझ में आ गया होगा प्यारे दोस्तों, क्या क्या जानकारियाँ हमें ऋग्वेद से मिलती है, पूरी जानकारियाँ हमने देखी इस प्रकार से हमें देखी। देखिएगा ऋग्वेद में क्या मिलती है, ऋग्वेद में 10वें मंडल है, कितने मंडल है, 10 में 10 मंडल है। पहले मंडल से अग्नि की जानकारी मिलती है, प्रथम और 10 पैष्ट और पहला नवा और 10वां मंडल है, जो नवीन मंडल माने जाते हैं। कौन से मंडल माने जाते हैं, नवीन मंडल माने जाते हैं, ये नए मंडल माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं भाई, नवीन मंडल माने जाते हैं। और उसके बाद 9वें मंडल में हमें जानकारी, सौम की जानकारी मिलती है 9वें मंडल से, और 2, 7 और 9, 2, 7 और 8वां जो है उनको वंश मंडल कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, वंश मंडल कहा जाता है। ये प्राचीन मंडल माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं भाई, प्राचीन मंडल माने जाते हैं। 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कहाँ पर प्यारे दोस्तों, पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में विभाजित किया गया, कितने भागों में बांटा गया भाई, 4 भागों में बांटा गया, अर्थात 4 वर्णों का यहाँ पर जिक्र किया गया है, किसमें भाई, वेद में, वेदों में, ऋग्वेद में। अष्टमा सुद्गमे जो मंत्र है ये भी हमें ऋग्वेद से देखने को मिलता है, कहाँ से मिलता है भाई, ये भी हमें ऋग्वेद से देखने को मिलता है। और बात करें सविता को समर्पित जो गायत्री मंत्र है जिसमें भगवान विष्णु का उल्लेख किया जाता है, वो भी हमें ऋग्वेद से देखने को मिलता है, अर्थात ऋग्वेद के 3रे मंडल से देखने को मिलता है भगवान विष्णु। इसके पुरोहित को होता या होत्री कहा जाता है, क्या कहा जाता है, होता या होत्री कहा जाता है। तो ये जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है भाई, ऋग्वेद से प्राप्त होती है। नेक्स्ट बात करें, अब बात करते हैं दूसरे ग्रंथ की, यजुर्वेद की। किसकी बात करें भाई, यजुर्वेद की, यजुर्वेद कौन सा, यजुर्वेद, यजुर्वेद की बात करें, ये दूसरे नंबर का कौन सा ग्रंथ, दूसरे ग्रंथ, दूसरे नंबर का वेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद की बात करें प्यारे दोस्तों, तो यजुर्वेद के बाद जो जानकारी मिलती है हमें, क्या क्या जानकारी मिलती है, सबसे पहले हम देखते हैं यजुर्वेद की जो जानकारी हमें मिलती है, देखने को मिलती है, वो क्या क्या जानकारी मिलती है दूसरे नंबर का यजुर्वेद। पहला ऋग्वेद की बात की हम, दूसरे यजुर्वेद की बात करें, यजुर्वेद जो यजुस शब्द से बना हुआ है, इसमें यजुर्वेद में क्या कर्मकांड का उल्लेख किया गया है, यजुर्वेद में इसमें क्या किया है, कर्मकांड का उल्लेख, किसका, कर्मकांड का उल्लेख है, कर्मकांड पर आधारित है ये, किस पर आधारित है, कर्मकांड पर आधारित है, किस पर आधारित है, ये कर्मकांड पर आधारित है, या कर्मकांडों का उल्लेख किया गया है, कर्मकांडों का उल्लेख किया गया है, या कर्मकांड पर आधारित माना जाता है, ठीक है, किस पर आधारित है भाई, कर्मकांड पर आधारित है, अर्थात कर्मकांडों का उल्लेख किया गया है, किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, किस प्रकार के नहीं करने चाहिए, ये सारी जानकारी हमें ऋग्वेद से, यजुर्वेद से देखने को मिलती है। और बात करें प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या जानकारी मिलती है, यहाँ पर जो जानकारी मिलती है, हवन यज्ञ से संबंधित क्रिया का उल्लेख भी इसी में किया गया है, हवन किसकी बात करें, हवन या यज्ञ, हवन या यज्ञ से संबंधित, यज्ञ से संबंधित क्रिया, क्रिया का उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है, कहाँ किया गया है भाई, यजुर्वेद में किया गया है, में किया गया, ठीक है, किया गया है, अर्थात हवन या हवन की जानकारी कहाँ से मिलती है, यज्ञ की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, यजुर्वेद से देखने को मिलती है। हवन सामग्री या हवन कुंड की जानकारी भी हमें कहाँ से मिलती है, यज्ञ वगैरह किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से जादू टोने वगैरह, है ना,
ये सारी जानकारी यानी कि हवन कुंड की जानकारी, ये पवित्र हवन कुंड किस प्रकार से किया जाए इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इसी वेद से मिलती है, यजुर्वेद से मिलती है। और बात करें प्यारे दोस्तों तो यहाँ पर जो देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, ये गद्य और पद्य में होने के कारण इसे चंपू कहा जाता है। इसमें क्या कहा गया, ये दोनों में, एक तो गद्य में भी लिखा गया और पद्य में भी लिखा है, ये गद्य और पद्य में दोनों में लिखा गया, गद्य गद्य व पद्य दोनों में होने के कारण, दोनों गद्य व पद्य दोनों में होने के कारण इसे चंपू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चंपू कहा जाता है, कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गद्य और पद्य की जो शैली है मिश्रित शैली को चंपू शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, गद्य और पद्य की जो मिश्रित शैली होती है उसको क्या कहा जाता है, चंपू शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गद्य और पद्य की जो मिश्रित शैली होती है उसे चंपू शैली कहा गया है। और इसमें भी दोनों चीजों का उल्लेख किया गया है, किसका, गद्य और पद्य दोनों प्रकार की चीजों का उल्लेख किया गया, इस कारण से क्या कहा जाता है भाई, चंपू शैली भी कहा जाता है या चंपू कहा जाता है, किसको, यजुर्वेद को। और देखिए और जानकारी क्या मिलती है यहाँ से, यहाँ पर सुनने का उल्लेख मिलता है, इसमें मंत्रों की संख्या 1875 मिलती है। यहाँ से क्या मिलता है हमें, सुनने का उल्लेख मिलता है, किसका, सुनने का उल्लेख, हमें यजुर्वेद में देखने सुनने का उल्लेख कहाँ मिलता है, हमें सुनने का उल्लेख मिलता है, सुनने का उल्लेख हमें यजुर्वेद में मिलता है, कहाँ मिलता है भी, यहाँ पर। जो सूत्रों की संख्या या मंत्रों की संख्या प्यारे दोस्तों वो कितनी मानी गई है, 1875। यहाँ पर जो किसकी, यहाँ पर मंत्र की संख्या कितनी मिलती है, मंत्रों की संख्या, मंत्रों की संख्या, मंत्रों की संख्या की बात करें, मंत्रों की जो संख्या प्यारे दोस्तों 1875 कितनी, 1875 मानी गई, 1875 है, कितनी, 1875। यहाँ पर मंत्रों की संख्या कितनी हुई, 1875 मानी गई है। मंत्र कितने बताए गए यहाँ पर, 1875 बताए गए। यहाँ पर इसको दो शाखाओं में बांट दिया गया, एक तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, क्या इसको दो भागों में बांट दिया जाता है, कितने भागों में बांट दिया जाता है भी? इसको दो भागों में बांट दिया जाता है, किसको, इस यजुर्वेद को, क्या, दो भागों में बांट दिया जाता है। कौन कौन से दो भाग है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, कौन कौन से दो भाग है और कौन कौन से, इसको दो भागों में बांटा गया है, कितने, दो भागों में बांटा गया है, किसको, दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, किसको, यजुर्वेद को बांटा बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से दो भाग, एक तो कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद, एक तो कृष्ण यजुर्वेद वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद, क्या, शुक्ल यजुर्वेद, एक तो कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद, ये दो भागों में इसको बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया, एक तो कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद, किसको, यजुर्वेद को, यानी कि जो वेद है अपना यजुर्वेद, कौन सा वेद है भाई, दूसरे नंबर का जो वेद है यजुर्वेद, इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। इसके जो कृष्ण यजुर्वेद है जिसको मूल शाखा माना जाता है, कृष्ण यजुर्वेद को क्या माना जाता है, इसको, कृष्ण यजुर्वेद को इसकी मूल शाखा माना गया, क्या, इसको मूल शाखा माना गया, क्या माना गया, इसका मूल शाखा माना गया, ठीक है, इसकी मूल शाखा माना गया है, इसको मूल शाखा माना गया। इसको शुक्ल यजुर्वेद को वाज स्नेही कहा जाता है, वाज स्नेही, क्या कहा जाता है, इसको वाज स्नेही कहा गया, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, शुक्ल यजुर्वेद को वाज स्नेही कहा जाता है। तो ये जानकारी हो जाएगा आपको, इसको दो भागों में बांटा गया है, किसको, यजुर्वेद को, यजुर्वेद को दो भाग कौन कौन से, एक तो कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद को मूल शाखा माना गया है, इसी, क्या माना गया भाई, मूल शाखा के रूप में, किसको, कृष्ण यजुर्वेद को माना जाता है, और जो शुक्ल यजुर्वेद है उसको वाज स्नेही कहा गया, क्या कहा गया भाई, वाज स्नेही कहा गया है, किसको, शुक्ल यजुर्वेद को। इसके बाद बात करें, यहाँ पर शतपथ, शपथ या ब्राह्मण से पहली बार कहा जाए जल प्लावन का उल्लेख मिलता है, किसका वजन उल्लेख मिलता है, यहाँ पर जल प्लावन का उल्लेख मिलता है। और जानकारी क्या मिलती है यहाँ पर, इसके पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है, इसके पुरोहित को क्या कहा जाता है भाई, इसके पुरोहित को, किसको, इसको पुरोहित को, इसके
पुरोहित, इसके पुरोहित को क्या कहा जाता है, इसको पुरोहित को, इसके पुरोहित को अध्वर्य कहा जाता है। क्या कहा जाए, अध्वर्य, क्या कहा गया, अध्वर्य कहा जाता है इसके पुरोहित को, क्या कहा गया, अध्वर्य कहा गया। तो ये जानकारी किसके बारे में, यजुर्वेद के बारे में हमें जानकारी मिलती है। क्या क्या जानकारी मिलती है, सर्वप्रथम हमने देखा कि इसमें किसका उल्लेख किया गया है, इसमें कर्मकांड पर आधारित माना जाता है, कर्मकांडों का उल्लेख किया गया है कौन से ग्रंथ में भाई, कौन से ग्रंथ में, यजुर्वेद में, ठीक है। और क्या जानकारी मिलती है, हवन यज्ञ की जानकारी मिलती है, किस प्रकार से किया जाता है, और इसमें जो है गद्य और पद्य दोनों की जानकारी मिलती है, ये मिश्रित अवस्था में गद्य और पद्य की जानकारी मिलती है, इस कारण इसे चंपू कहा गया। क्या कहा गया, चंपू कहा गया। क्या कहा गया भाई, इसे चंपू कहा गया। शून्य काल का उल्लेख मिलता है, या सॉरी शून्य का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, किसका, शून्य का, जो जीरो दिया भारत ने जब दुनिया को गिनती आए, तारों की भाषा में रे भारत ने दुनिया को सबसे पहले सिखलाई। तो ये जीरो का जो उल्लेख है ये कहाँ पर मिलता है हमें, शून्य का उल्लेख हमें यजुर्वेद में मिलते हैं। मंत्रों की संख्या, यहाँ पर मंत्रों की संख्या 1875 मानी गई, कितनी मानी गई है भाई, 1875 मंत्र है। इसको दो भागों में, आगे चलकर कितने भागों में बांट जाता है, ये दो भागों में बांट देते हैं, और एक तो कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद को इसकी मूल शाखा माना जाता है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद को इसको वाजसनेय कहा जाता है। और बात करें यहाँ पर, तो इसका जो पुरोहित है वो अध्वर्य कहलाता है। क्या कहलाता है, अध्वर्य कहलाता है। इसका कौन, पुरोहित, याद रह जाएगा प्यारे दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है आपको। और आज के लिए इतना ही काफ़ी, करते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए, और लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है प्यारे दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।